नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। महोबा में पिछले 7 महीने से गायब नाबालिग बच्ची के मिलने के बाद भी कोतवाली पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की इस लापरवाही का विरोध करते हुए गुलाबी गैंग ने पुलिस चौकी का घेराव किया, जिसके बाद चौकी प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक बच्ची थी रोशनी, वो अपने चली गई थी कहीं पे, पूर्व में भी गई थी, तो उसका मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की गई थी। परंतु उसके बाद पुनः वो बच्ची फिर घर से चली गई थी और उसी संबंध में ये मामला आए प्रकाश में आया था। तो ये गुलाबी गैंग की जो कमांडर हैं श्रीमती फरीदा बेगम जी से बात हुई थी और लड़की को हम लोगों ने रिकवर कर लिया है और उस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में बदमाशों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान 3 लोगों को संदिग्ध पाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उनके पास से चोरी का मोबाइल, लाखों के कीमती जेवरात समेत 12,000 रुपए नकदी बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। महोबा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यहां भूमाफिया ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। वहीं बीएसपी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने इसकी शिकायत प्रशासन से की तो प्रशासन भी उनकी बात को नजरअंदाज कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि योगी सरकार के अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का आखिर क्या होगा। जो शासन के निर्देश हैं कि 10 साल के पहले कोई भी पट्टा हस्तांतरित नहीं कर सकता, तो 10 साल उसे मृत भी नहीं हुए तो उससे पहले वो 100 रुपये के स्टाम्प पर उससे पट्टी लिखवा ली, उसमें निर्माण हो चुकी। और इस कॉलोनी में तो इतने पट्टे ऐसे हैं जो बिलराई ग्राम प्रधान द्वारा श्रीनगर पंचायत के लोगों को पट्टे कर दिए गए, तो जो ग्राम प्रधान की मिली भगत से हुआ, लेखपाल कानून को और ग्राम प्रधान की मिली भगत से हुआ। जैसा क्या है इसमें टोटल रुपया का काम है, केवल पैसा लिया गया और पैसे के साथ साथ यू। रायबरेली में गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कमेटी की महिला जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने राज्यपाल को संबोधित डीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने योगी सरकार के कार्यकाल में बढ़ती महंगाई के खिलाफ नाराजगी जताई। वहीं महिला जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार के खिलाफ हमारा ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। यूपी बजट सत्र से घरेलू गैस की बढ़ाई गई कीमतों से नाराज होकर संबल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर अपना विरोध जताया। वहीं प्रदर्शन पर बैठी महिलाओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक प्रदेश सरकार गैस के दामों को कम नहीं करती, तब तक सभी महिलाएं गैस सिलेंडर का त्याग कर मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाएंगी। गैस की बेताशा वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आज यहाँ पर पुराने उसमें हमने चूल्हे पे लकड़ी और उपले जलाकर रोटी हंडिया कराई है। हमारी माता बहनों ने यहाँ पर रोटी पकाई है। हम पुराने रिवाज पर आएंगे क्योंकि हम किसी के पास इतना पैसा नहीं है 900 रुपया सिलेंडर लेगा। गोरखपुर प्रशासन खुले में शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ अभियान चला रहा है। दरअसल सीएम योगी को ये मालूम चला था कि गोरखपुर में धार्मिक स्थलों के आसपास खुले में शराब पी जा रही है, जिसके बाद सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों और पुलिस कप्तान को ये निर्देश दिए थे कि जिले में अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद प्रशासन जिले में सख्ती दिखाते हुए ऐसी दुकानों को चिन्हित कर रहा है जहाँ खुले में शराब पी जाती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। परिचारा द्वारा तरकुल्हा देवी मंदिर के परिसर के आसपास जितने भी शराब की दुकानें हैं उन लोगों को सख्ती से यह निर्देश जारी किया गया है कि यदि वह शराब का विक्रय कर भी रहे हैं तो वहां खुले में पीने पर पूर्ण रूप से अपने स्तर से पाबंदी लगाएं, गलत करने की दशा में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के थाना जमुना पार इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर की लापरवाही के चलते एक कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गया। इस हादसे में कैंटर में सवार करीब 25 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका इलाज चल रहा है। हमीरपुर से स्पेशल ट्रेन से चलकर जीआरएम निरीक्षण करने रागौल स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने बंद कमरे में कर्मचारी और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान वहां के क्षेत्रीय नेता मुन्ना बॉर्डर और पूर्व मंत्री बरीश उद्दीन स्टेशन पहुंचे और उन्होंने रागौल स्टेशन पर गरीब रथ ट्रेन का स्टॉपेज, लोकल मेमो सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहा, लेकिन जीआरएम कमरे से बाहर नहीं निकले, जिसके बाद वहां मौजूद डीआरएम ने उनसे ज्ञापन लिया और उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया।
संत कबीर नगर में मंगलवार सेवा समिति द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 14 जोड़ों की शादी करवाई गई। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाज सेवी वैभव चतुर्वेदी ने सभी जोड़ों को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की, साथ ही वर वधु को आशीर्वाद भी दिया।